गाइस, ये जो रास्ता आप देख रहे हो ना, ये है ना डायरेक्ट ऑटो का, ऑटो से हम आए। और जिस नहीं चल पाते उनके लिए सुविधा सबसे बढ़िया है, आप सीधा मंदिर तक पहुंच जाएंगे, आपको एक भी सीढ़ियां पौड़ियां नहीं चढ़नी पड़ेगी। चलो ये पकड़ना, छोटू। तो यह है मंदिर का भव्य प्रांगण। हम जैसे आपको बताया था रात को हम यहाँ आए थे शहनाथ में, और अभी हम जाएंगे मेन मंदिर में जहाँ पे लाइन लगी हुई है। अभी फिलहाल लाइन है क्योंकि अभी मंदिर बंद है आरती के समय, तो जब तक हम माता जी के शय भवन में जाते हैं। ऊपर है तारादेवी मंदिर, हम वहाँ भी जाएंगे। गाइस, ये वो टांकिया है जो अकबर ने खुदवाई थी यहाँ पे पानी लाने के लिए, ताकि वो जोत के बंद कर सके, क्योंकि उनका मानना था कि शायद वो इस जोत को बंद कर पाएंगे। इस टांकियों को ढक दिया गया है इन कुओं को, ताकि इसमें कोई गिर ना जाए या कोई इशू नहीं, क्योंकि काफ़ी बड़े कुएँ हैं, एक यहाँ पे है एक वहाँ पे है। अकबर ने इसे खुदवाया था। अभी फिलहाल बंद है मंदिर क्योंकि अंदर पूजा चल रही है। 12:30 बजे मंदिर खुलेगा, उसके बाद हम दर्शन के लिए लाइन में जाएंगे। तब तक के लिए मैं आपको बाहर के व्यूज दिखा रहा हूँ। फिलहाल यहाँ पे लाइन है कुछ समय के लिए। ऊपर है लाल शिवालय और वहाँ है गोरख डिब्बी मंदिर, वहाँ भी हम जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे पूजा में। और ये है हमारा माता जी का स्तंभ। गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट में जय माता जी जरूर लिखिएगा। तब तक आप नज़ारों का आनंद लीजिए।
बाकी आपको मंदिर परिसर भी मैं अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे भी एक बहुत ही प्यारी सी मूर्ति है माता जी की, वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। Pickpocket, beware of pickpockets. जय माता दी, जय माता दी। आपको ज्योत के दर्शन में यहाँ से एक बार करवाता हूँ। अब इस वक्त हम लाइन में लगे हैं। जयकारा शेरावाली का जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माता जी की चरण पादुका बोलो।
पिछले भी बोलो जय माता दी जय माता दी। एक दो तीन चार जय माता दी। अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे अकबर ने जो छत्र चढ़ाया था उसे यहाँ रखा गया है। फोन दोनों है ना तेरे पास? बड़ी नीचे नहीं है। तेरी चुन्नी भी जेब में डाल ले। हाँ। मैं तो रहने दे। आशीष निकालो हथियार, तीनों साथ में आ जाएंगे। ये वो छत्र है जो अकबर ने चढ़ाया था माताजी को, और क्योंकि अकबर के घमंड के कारण माताजी ने इसे स्वीकार नहीं किया था और इसे एक अलग धातु में बदल दिया था, और इस धातु की आज तक नहीं पता लगा कि कौन सा धातु है। हनुमान जी को ऊपर जाना और बाबा रे और ऊपर है। हां मैं तो चढ़ गई हूं। ऊपर और ऊपर चढ़ जाओ जल्दी से, टाइम नहीं है। ऊपर ऊपर बड़ी बात है। शॉर्ट में इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ और आ गया। इधर रोजा मत तो इधर आ जाओ, पीछे वाले इधर ऊपर जाओ, सीधा खड़ा हो जाए ऐसे जैसे ये खड़े हैं। तो वह ऐसा खड़ा हो ना, कैसे खड़ा हो रहा हूँ, लपटे कितना पढ़ा लिखा है। जैसे मैं खड़े हूँ ऐसे खड़ा हो ना। माता की जय, सच्चे दरबार की जय। थोड़ा और इधर हो जाओ, दो चार हो जाओ और तब जाऊंगा इधर। ये केला खड़ा हो, सबको दर्शन देना है। गोरख दिव्य गोरख कंडी गोरख द्वारिक नाम से पुकारा जाता है। गोरखनाथ एक दोने एक विभूति एक शक्ति से कंधा शीतल गंगा जल उबल रहा है। सभी हाथ जोड़ के खड़ा रहो। बोल जाला माता की जय। फोन बंद कर, हम कैमरा लगाओ, फोन देखो, बंद करो सब फोन को। बोल जाला माता की जय। Thank you.
बोल सच्चा सदा ही जय, बोल ज्वाला माता तेरी सदा ही जय, ज्वाला माता की जय। इधर आ जाओ, चलो जल्दी चलो जल्दी। दर्शन कर लिए ज्वाला जी के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ, और दर्शन बहुत ही बढ़िया थे, दर्शन बहुत ही बढ़िया थे, बहुत आनंद आया दर्शन का। कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, थोड़ी पार एक दुनिया देखने मिले।